यहाँ पर जंगलों के पास में बहुत सस्ते सस्ते घर मिल जाते हैं और काफी अच्छे अच्छे यहाँ लोगों ने घर बना रखे हैं। फ्रेश वाटर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये दोस्तों एक प्रॉपर्टी का ब्लॉग होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत शानदार प्रॉपर्टियां दिखाने वाला हूँ। दो चार ऐसी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा तो बहुत ही रीजनेबल, मतलब बहुत ही सस्ते प्राइस में आएंगी और आप उत्तराखंड में एक अच्छी लोकेशन पर प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं। तो मेरे साथ मेरे पीछे क्लाइंट आ रहे हैं क्रेटा गाड़ी में, तो उनको मैं यहाँ प्रॉपर्टी पे विजिट कराने जा रहा हूँ। तो साथ में उनको भी विजिट कराऊंगा और आपको यहाँ घर बैठे बैठे विजिट कराऊंगा और आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ। जो पहली प्रॉपर्टी होगी बहुत ही सस्ती प्रॉपर्टी है। हाल फिलहाल में मैंने वीडियो डाला था, उस वाली प्रॉपर्टी को देखने के लिए दिल्ली से क्लाइंट आए हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ काशीपुर से रामनगर रोड पर, बीच में एक जगह पड़ती है पीरू मंदारा, वहाँ पर एक प्रॉपर्टी दिखानी है। फिर जाएंगे हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, जगह पड़ती है काला ढोंगी बेल पड़ाव गैगुआ के पास में, जो बिल्कुल पहाड़ों से लगी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा वहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है नेशनल हाईवे 121 जो काशीपुर को जिम कॉर्बेट से जोड़ता है और आगे हल्द्वानी नैनीताल साइड में निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं अपनी लैंड पर। ये पीछे वाली लैंड की वीडियो मैंने डाला था, आपने देखा होगा, जिसका रेट जो है वीडियो में 240 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से था। और अभी हम यहाँ पर ही विजिट करने आए हैं। तो इसमें पीछे की साइड में ये वाला जो पार्ट है एक बीघा का, वो बिक चुका है। यहाँ से लेके वहाँ तक वो बिक चुका है वाला पार्ट। मैं आपको फ्रंट कैमरे दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर से लेके वहाँ तक वो बिक चुका है। अब बहुत ही सुंदर लोकेशन है सामने, आप देख सकते हैं। सामने की साइड में पहाड़ वगैरह दिखते हैं, मतलब रामनगर के और नैनीताल के। इधर की साइड में काफ़ी अच्छे अच्छे फार्म हाउस बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ज़मीन हमने दिखा दी है ये वाली, हम आगे चल रहे हैं। और ये ज़मीन बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर जगह पर है। ये देखिए, मैं आज अब रोड दिखा रहा हूँ आपको। जो मैंने पहले वीडियो डाला था उसमें रोड नहीं दिखा पाया था। ये बरार में आम का बाग है और सामने की साइड में हम मेन रोड पर जाकर मिलेंगे। ये देखिए, और ये रोड जाकर मिलती है नेशनल हाईवे 121 पर, जो सीधे रामनगर जिम कॉर्बेट से जोड़ती है और आगे जाकर नैनीताल निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं रामनगर से नैनीताल वाली रोड पर। बीच में एक जगह पड़ती है बेल पड़ाव धमोला, तो वहाँ पर बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। वो वाली प्रॉपर्टी मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। तो इधर की साइड में जिम कॉर्बेट का एरिया है और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि रोडवेज और रेलवे स्टेशन जो पड़ता है वो उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है रामनगर। रामनगर से सीधे दिल्ली के लिए ट्रेन मिल जाती है, तो अगर आप कभी आते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये देखिए, इधर की साइड में पूरा जिम कॉर्बेट का एरिया है। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो 700 रुपये 800 रुपये लगभग रेट है स्क्वायर फीट के हिसाब से। मिनिमम रेट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप बीघा के हिसाब से लेना चाहते हैं तो मिनिमम रेट जो है आपको 25 लाख 30 लाख 35 लाख रुपए बीघा का मिलेगा, और ऊपर कुछ आएंगे तो लगभग मान के चलिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ बीघा के हिसाब से भी यहाँ पर ज़मीनें हैं। मगर वो कमर्शियल लोकेशन हो जाती है, जिसमें आप होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट वगैरह खोल सकते हैं। ये सामने की साइड में हनुमान धाम हम पहुँचने वाले हैं। ये हनुमान धाम के लिए रोड जाती है इधर को, तो आप कभी घूमना है तो हनुमान धाम के लिए यहाँ से जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहुँचने वाले हैं अपनी प्रॉपर्टी पर जो हम दिखाने के लिए आए थे। यहाँ पर जो रेट है लगभग बता रहा हूँ 700 800 900 रुपये लगभग स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सामने की साइड में पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। तो फ्रेंड्स, ये वाली ज़मीन है, ये लगभग 1.25 बीघा ज़मीन है और ये 20 लाख रुपये का टुकड़ा है। अगर आप यहाँ खरीदना चाहते हैं 2 लोग 3 लोग मिलकर ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ लोगों ने घर बना रखे हैं। और ये देखिए सामने की साइड में कितने अच्छे अच्छे घर यहाँ घर बना रखे हैं। उधर भी रोड है और इधर भी रोड है, इस साइड में भी रोड है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो मैं आपको दिखवा दूंगा। कभी आप इस क्षेत्र में आते हैं तो देख लीजिएगा। और इधर की साइड में गन्ना वगैरह लगा रखा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर प्रॉपर्टी थोड़ी कॉस्टली होती हैं, क्योंकि ये जिम कॉर्बेट के पास का एरिया है और यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली इसलिए पड़ता है क्योंकि आप फ्यूचर में यहाँ होम स्टे वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अरे अंकल जी की साइकिल की चैन उतर गई। तो ये नेचुरल वाटर है जो बह रहा है ना, ये इधर पहाड़ों से आता है सीधा नेचुरल वाटर है इसमें को। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं आगे की साइड में दूसरी ज़मीन देखने के लिए, यहाँ से नीचे। तो ये अभी हम जा रहे हैं दूसरी ज़मीन पर। यहाँ पर कितनी ज़मीन है? यहाँ पर 3 टुकड़े हैं जमीन के। कितने कितने बीघा के? एक एक बीघा के 2 टुकड़े हैं और एक 3 बीघे का 1 टुकड़ा है। एक एक बीघा के 2 टुकड़े और एक 3 बीघा का टुकड़ा। अच्छा, तो चलो सारे टुकड़े दिखाते हैं हम और प्राइस के साथ आपको बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सुंदर मकान बने हुए हैं दोस्तों, बड़े लग्जरी टाइप के मकान बने हुए हैं। ये देखिए, ऐसा मकान आपको ये समझ लीजिए कि मतलब रहने वाला मजा आता है, बनाने में तो पैसा खर्च होता है। तो अभी हम जा रहे हैं सामने की साइड में, ये सामने छोटी मोटी झोपड़ी बनी हुई है। सच नहीं बोल रहा है।
लोग ये सोचते हैं उत्तराखंड में बहुत सस्ती जमीन, मतलब बिल्कुल ही सस्ती जमीन, तो किस रेट में मिल जाएगी इस क्षेत्र में? यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ 15 लाख से ऊपर ही ऊपर मिलेगी, 15-18 लाख, 15-18 लाख रुपए मिनिमम रेट, वो भी अंदर जाके मिलेगी ना उस रेट में। तो फ्रेंड्स एक ये लैंड है, ये एक बीघा है लगभग, इसका प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ 22 लाख रुपए इसका प्राइस पड़ेगा, और एक बीघा उसके पीछे की साइड में, उसका रेट मैं आपको आगे बता दूँ। क्या रेट है उस वाले का? 30 लाख रुपए पर बीघा। उधर वाली का, इधर ये 18 लाख रुपए, पीछे वाली का ये 22 लाख रुपए, और जहाँ हम अभी जा रहे हैं, वो 30 लाख। अच्छा अच्छा, चलिए वहीं चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, ये सामने की साइड में आप देख सकते हैं झोपड़ी है, इन झोपड़ियों के बराबर से होते हुए हम जाएंगे उस लैंड पर। बहुत ही सुंदर लैंड है ये, देखिए इस झोपड़ी के पास में हम पहुंच गए हैं, और ये आदिवासी लोग यहाँ रहते हैं, और जहाँ हम अभी जा रहे हैं बहुत ही सुंदर जगह है, 3 बीघा जमीन है। रेट मैंने आपको बताया 30 लाख रुपए बीघा, मगर आप 2-4 लोग 5-6 लोग मिल के ले सकते हैं। किधर की साइड में सीधे? अच्छा, तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। बच्चों क्या कर रहे हो यहाँ पर? अच्छा ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स ये पीछे की साइड में प्रॉपर्टी है, और 3 बीघा जमीन है, और हमने अपनी गाड़ी पीछे की साइड में खड़ी कर दी है, वो आप देख सकते हैं जंगल के अंदर, और मैं इधर की साइड से जाता हूँ। ये देखिए ये प्रॉपर्टी है, इसका मैंने पहले एक वीडियो बनाकर डाला था, तो अभी हम इस वाली प्रॉपर्टी पर आए हैं। सामने की साइड में काफ़ी सारे मुर्गे चुग रहे हैं, ये देखिए ये मुर्गे चुग रहे हैं, और सामने की साइड में ये देसी मुर्गे हैं, और ये ट्यूबवेल है सरकारी, सरकारी ट्यूबवेल के बराबर में ये प्रॉपर्टी है, 3 बीघा लैंड है। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं लदुआघाट वाटरफॉल, लदुआघाट वाटरफॉल मतलब उसके पास में एक जमीन है बहुत ही सुंदर, 5 बीघा जमीन है ना? हाँ, 5 से 7 5 बीघा जमीन है। हाँ, 5 बीघा जमीन है, प्राइस है उसका लगभग मान के चलिए वही 37-38 लाख रुपए के समथिंग, सही करो। तो ये देखिए आप पहुंच चुके हैं बिल्कुल लदुआघाट पे, बहुत ही सुंदर जगह है, मगर सहसधारा में ना बहुत भीड़ रहती है, भीड़ नहीं रहती ऐसे, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बारिश के मौसम में कभी मत आना इस जगह, बह जाता है ना पानी ज़्यादा आ जाता है। ये देखिए ये बिल्कुल पीने का पानी यहाँ से निकल रहा है, और सामने ये है लदुआघाट, घूमने की बहुत ही सुंदर जगह है। तो फ्रेंड्स ये लदुआघाट को हम एक बार ऊपर से दिखाते हैं, ये देखिए ये लदुआघाट ऊपर की साइड से दिखाते हैं, ये लदुआघाट है, बहुत ही सुंदर जगह है, सामने फॉरेस्ट है, और अभी हम एक ज़मीन वहाँ पर देखने जा रहे हैं आगे की साइड में, ये देखिए मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ, ये बहुत ही सुंदर लोकेशन है। अभी भी आप इस क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने आते हैं तो आपको मिलेंगे धर्मीर भाई साहब, जो हमारे बहुत खास टीम मेम्बर हैं, काफ़ी सारी हमने डील की है साथ में, और हाल फिलहाल में ही हम एक विजिट कराने ही आए थे, तो क्लाइंट तो जा चुके हैं। तो सामने की साइड में जंगल है, और ये सामने फ्रेश वाटर बहता है, और काफ़ी अच्छी जगह है। चलिए हम आगे चलते हैं इधर की साइड में, और इधर से इधर की साइड में गाड़ी मोड़ेंगे, और यहाँ पर ज़मीन है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और यहाँ घर मिल जाएगा कोई नहीं, इस कॉलोनी में नहीं, इसमें नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। यहाँ पर जंगलों के पास में बहुत सस्ते सस्ते घर मिल जाते हैं, और इसके पास में ज़मीन है, ये ज़मीन मान के चलिए 20-22 लाख रुपए बीघा के हिसाब से आपको मिल जाएगी, आप कभी भी ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है, और सामने की साइड में ये फॉरेस्ट है, और ये देखिए नेचुरल वाटर बह रहा है इधर की साइड में, ये नेचुरल वाटर यहाँ बह रहा है, और ये देखिए सामने घर, कितने अच्छे अच्छे घर हैं। क्यों भाई मज़ा आया लोकेशन में? नहीं, ये गेहूं की खेती यहाँ हो रखी है। तो फ्रेंड्स ये वाली ज़मीन थी जो मैंने आपको दिखा दी है, अब इस गांव के बीच से होते हुए जा रहे हैं, मगर यहाँ पर देखिए नेचुरल वाटर कितना सारा बहता है, बिल्कुल फ्रेश वाटर है, और ये मंदिर है सामने। तो फ्रेंड्स अभी लगी है भूख, अभी हम मोमो खाने वाले हैं यहाँ पर, ये दिखा दो एक बार मोमो यार, मोमो काफ़ी अच्छे बना रखे हैं भैया ने, ये आप देख सकते हैं मसाला अंदर का पूरा साफ दिख रहा है, और मैदा बहुत कम लगा रखी है, तो लगा दो फिर 2 प्लेट ऐसा मोमो लगा रहे हैं। तो 20 रुपये के हाफ मोमो, हाफ में आते हैं 6 पीस, और ये भैया ने डाली लाल चटनी, चटनी में क्या डालते हैं भैया? अदरक डालते हैं, लहसुन हो गया, अदरक लहसुन मिर्ची, अच्छा लो पकड़ो अमित। फ्रेंड्स मोमो बहुत बढ़िया है, बड़े टेस्टी मोमो लग रहे हैं, उसमें मैदा बहुत कम है, अंदर सब्जी वगैरह भरी हुई है,
तो फ्रेंड्स मैंने आपको जितनी प्रॉपर्टियाँ दिखाई हैं, अगर इनमें से कोई प्रॉपर्टी आपको पसंद आती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे दे दीजिएगा, उसकी डिटेल्स वगैरह मैं आपको शेयर कर लूँगा। और जब भी आप विजिट करना आना चाहते हैं तो हमें 2-4 दिन पहले ज़रूर कॉल कीजिएगा। आप डायरेक्ट आके हमें कॉल करेंगे तो हम मिल नहीं पाएंगे। और विजिट चार्ज कंपलसरी है, कोई भी आ रहा है विजिट चार्ज आपको पे करना ही करना पड़ेगा। कभी भी आप आते हैं तो क्या देख रहे हो यार, लोने देख के तुम बना यार, मैं एंड कर रहे हो ब्लॉग का यार, लोने देख रहे हो। तो फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा किसी प्रकार की प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं उत्तराखंड में और कहीं भी आप, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।